वुहान शहर से फैला कोरोना वायरस का असर पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। भारत के कई राज्यों में कोरोना ने पांव पसार रखे हैं, जिसको लेकर सरकार काफी चिंतित दिखाई दे रही है और प्रचार प्रसार के माध्यम से कोरोना से बचाव के तरीके भी बताए जा रहे हैं। उसी के चलते आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सपा गठबंधन सांसद एसटी हसन मुरादाबाद के जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुँचे और वहां बने आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुरादाबाद में कोरोना को लेकर जिला अस्पताल प्रशासन की पूरी तैयारी है और इसको लेकर लापरवाही बरतना घातक साबित हो सकता है। जैसे कि चीन और इटली में इस बीमारी को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दिए, जिसका खामियाजा आज इटली और ईरान जैसे देश भुगत रहे हैं। साथ ही सांसद का यह भी कहना है कि इससे ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अभी तक मुरादाबाद में कोरोना का कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। सैनिटाइजर और मास्क की ही हो रही कालाबाजारी को लेकर सांसद ने मुरादाबाद प्रशासन से बात कर इस पर रोक लगाने की बात कही है। सर, किस बात को लेकर आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया? देखिए, इस वक्त एक बहुत भयंकर बीमारी की सारे दुनिया को फिक्र है, कोरोना वायरस स्प्रेड कर रहा है। इससे बचाव ही इसका इलाज है। अगर हम बचाव नहीं करेंगे तो होने के बाद कोई दवा नहीं है इसकी, जिसका इसको इलाज किया जा सके। थोड़े नीचे हमारे अस्पताल में क्या तैयारियां हैं, तो ऊपर वाले का कर्म है कि मुरादाबाद में अभी तक कोई केस नहीं है, लेकिन क्योंकि मुरादाबाद एक एक्सपोर्ट सिटी है, बाहर से लोगों का आना जाना होता है और उसके सिलसिले में अगर हमारी पहले से तैयारी नहीं होगी तो वक्त के वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह से आपने देखा कि ईरान और इटली ने इसको बहुत लाइटली लिया था और आज उनके हालात बहुत ख़राब हो गए। हमारे यहाँ आइसोलेशन वार्ड बना लिया गया है, हमारे जितना ही मेडिकल स्टाफ है, सीएमओ साहब हैं और लोगों ने जो फैसिलिटीज़ दे सकते हैं यहाँ पे वो दे रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड में सैनिटाइज करा जा रहा है, मरीज़ खुदा ना खास्ता अगर आते हैं तो उनका पूरी सुविधाएं यहाँ पे मौजूद हैं। बस अभी मैंने मालूम करा था, एक सुविधा यहाँ नहीं है कि वेंटिलेटर यहाँ नहीं है। वेंटिलेटर की इस मर्ज में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब सीरियस होता है इंसान तो फेफड़ों की कैपेसिटी कम हो जाती है और सांस लेने में परेशानियां आती हैं। तो उसके लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे टीएमयू और आसपास ज़िले के अंदर लगभग 100 वेंटिलेटर हैं। खुदा न करे ऐसी कोई सिचुएशन आए, लेकिन मैं तो आपके माध्यम से सबसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत एहतियात करें और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100 में से लगभग 2 या 3 मरीज़ों की डेथ होती है, वो भी ऐसे मरीज़ जो बहुत ज़्यादा बीमार हो, डायबिटिक हो या उन्हें कोई और दमे वगैरह की चीज़ की बीमारी हो या बहुत छोटे बच्चे हो। मगर हम तो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक भी डेथ ना हो, कि कोरोना किसी को हो ही नहीं, सब लोग एहतियात करें। ख़ास तौर से सबने देखा टीवी पे, आपके माध्यम से बताया जा रहा है, हाथ धोने का मसला है, बार बार हाथ धोएं, रेलिंग्स को ज़्यादा ना छुएं, और अगर खांसी जुकाम भी हो रहा है आप लोगों को या किसी को भी हो रहा है तो लोग आमतौर से मुंह पे हाथ रख के छींक लेते हैं। मुंह पे हाथ ना रख के अगर हम कोहनी अपने मुंह पे रख लें, मैं आपको बता देता हूँ इस तरह से, तो आपके हाथ सेफ हो गए, फिर आप किसी को हाथ मिला सकते हैं, आपके हाथ रख सकते हैं, दूसरे को कम से कम आपसे इन्फेक्शन नहीं होगा। और बार बार साबुन से हाथ धो सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, मोहतात होने की ज़रूरत है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। और जो हालात हमारे कंट्री के हैं, खुदा ना खास्ता अगर कोरोना वायरस फैलता है तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हम बहुत आसानी से काबू नहीं पा पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बसें ओवरक्राउडेड हैं, ट्रेनें ओवरक्राउडेड हैं, स्टेशनों पे बहुत भीड़ है, बाज़ारों में बहुत भीड़ है। तो अननेसेसरी सफ़र ना करें, बिला वजह बाज़ारों में ना जाएं, जहाँ पे लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं वहाँ को अवॉइड करने की कोशिश करें। और मुझे उम्मीद है जैसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि वायरस आमतौर से टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, तो इसका बिल्कुल अपने आप ही कम होता चला जाए। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस से बचाव के लिए सैनिटाइज़र और मास्क के इस्तेमाल के लिए बता रहा है, लेकिन बाज़ार में इसकी शॉर्टेज है, क्या कालाबाजारी चल रही है? सुनने में आया है कि इसकी कालाबाजारी हो रही है। जो मास्क 30-35 रुपये का था वो 200-250 रुपये का मिल रहा है,
इसके लिए भी हम अपने प्रशासन से बात कर रहे हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि सरकार के लेवल से हमारे हॉस्पिटल से मास्क अवेलेबल हो जाएं और नॉमिनल प्राइस पर जनता को मिल जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम कोशिश सर एक सवाल और, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मरीज आ रहे हैं, क्या प्रशासन की तरफ से जो मरीज हैं उन्होंने भी मास्क प्रोवाइड कराए जाएंगे? क्योंकि सबको तो मास्क नहीं प्रोवाइड कराए जा सकते, लेकिन हमारे इस अस्पताल के डॉक्टर्स ने, आप इंचार्ज ने बड़ा अच्छा फैसला ये करा है कि जो मरीज थोड़ा भी बुखार से पीड़ित है उसको वो लाइन में ना लगे, उसके लिए दूसरी जगह बनाती है, दूसरी विंडो बनाती है। भीड़ को आप नहीं रोक सकते, मरीज़ तो आएंगे ही, हज़ारों बीमारियाँ उसके मरीज आएंगे, लेकिन जो जिन्हें बुखार हो रहा है, जिन्हें जुकाम हो रहा है, उनके लिए अलग से विंडो बना दी गई है, वो वहाँ से अपनी दवाएँ लें और अपना खुद भी ख्याल रखें। ठीक।